ओ भाई, लोकी का एपिसोड 4 सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक था। इसको लोकी का अब तक का सबसे ब्रूटल एपिसोड भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर भाई साहब लिटरली में काफी ज्यादा ही खतरनाक चीजें देखने को मिली। कि हम सब लोग यहाँ मरना पसंद करेंगे पर तुम्हारा साथ देना नहीं। और स्पेशली इस एपिसोड के एंड में सीन था जहाँ पर विक्टर टाइमली लूप को ठीक करने के लिए अपने जान पे खेल के नीचे जाता है और नीचे पहुंचते लिटरली वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और इस सीन को देख के जो लोग यहाँ पर समझ देते विक्टर टाइमली एक्चुअली मारा गया, भाई साहब उन लोगों के लिए यहाँ पर 2 मिनट के लिए मौन बरस, क्योंकि भाई झंडे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से झंडे। क्या ये सुरक्षित है? मैंने टेस्ट नहीं किया है पर मेरा दिमाग कहता है ये ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाई तुमने यहाँ पर सोच कैसे लिया कि जो आदमी अपनी जान की जान से भी ज्यादा परवाह करता है वो यहाँ पर रिस्क लेगा, वो भी दूसरों की जान बचाने के लिए। तो भाई तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। कैन द कॉन्करर के हर एक वेरिएंट को परवाह है तो सिर्फ खुद की, वो बिना मतलब के यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। मुझे जाना चाहिए। नहीं, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। लेकिन अब तुम यहाँ बोलोगे कि विक्टर तो एक्चुअली में गया था लोग को ठीक करने के लिए, तो वो गया था सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। इसी को अगर तुम यहाँ पे गौर से देखा हो तो लोग कि भाई जा रहा था लोग ठीक करने के लिए, विक्टर को फोर्स करता है कि मैं जाना चाहता हूँ, तुम मत जाओ। बहादुरी दिखाने का वक्त आ गया है। और यहाँ पर वो जाता नहीं क्या फिक्र रहा था कि टाइम है बहादुरी दिखाने का, तो सब कुछ बकवास है। इस सीन को जरा गौर से देखो, जब विक्टर लूप को ठीक करने के लिए आगे जाता है तो हमको देख के ऐसे लगता है कि हैवी टेंपरेचर की मदद से विक्टर की बॉडी यहाँ पर जाके खाक हो गई। रेडिएशन का लेवल बहुत ही ज्यादा है। लेकिन भाई साहब एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि विक्टर यहाँ से एक्चुअली में किसी और टाइमलाइन में चला जाता है। जरा विक्टर के यहाँ पर गायब होने के सीन को देखो, ये सेम है जिससे कि लोग यहाँ पर टाइम स्लिपिंग कर रहा था। दैट मींस विक्टर यहाँ पर मरा नहीं है बल्कि हम सबका काट के वहाँ से चला गया। लेकिन सवाल यही निकल के आता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और वो गया तो गया कहाँ पे। आप भाई देखो, नो डाउट कि विक्टर टाइमली काफी ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है, वो चीजों को काफी ज्यादा जल्दी समझ लेता है। और जब वो टीवी के अंदर आया तो मे बी यहाँ पर उसने कोई ऐसी चीज नोटिस कर ली होंगी जो उसे नोटिस नहीं करनी चाहिए थी, जिस वजह से वो कुछ ऐसा समझ गया होगा जो उसको बिल्कुल समझना नहीं चाहिए था और वो यहाँ से रबु चक्कर हो गया। लेकिन इतना यहाँ पर क्लियर है कि विक्टर टाइमली अभी तक मरा नहीं है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विक्टर टाइमली का भविष्य कि वो आगे जाके कॉन्करर बनेगा। अब एपिसोड 5 के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, तो मैं इंतजार करते हैं एपिसोड 5 के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर इतना कहना चाहूंगा कि विक्टर टाइमली अभी जिंदा है।